नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। टीएस वज़ीर हत्याकांड जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और केस बिल्कुल अब अपने क्रैक होने के समीप है, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां हुई, तीन लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हरमीत एक मुख्य आरोपी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसने कुछ खुलासे किए हैं। हालाँकि अब इसके खुलासे के बाद एक छोटा सा जो बदलाव है, आप ट्विस्ट कहें, वो ज़रूर सामने आया कि पहले ये बात सामने आई थी कि गोली जो थी वो हरप्रीत ने चलाई थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि गोली हरमीत ने चलाई थी और हरप्रीत के उकसावे पर चलाई थी। ये खुद हरमीत ने अपने बयान में कहा है कि उसे हरप्रीत ने उकसाया और ये कह के उकसाया कि टीएस वज़ीर जो है वो उसके बेटे को मरवाना चाहते हैं और इसके लिए जो गैंगस्टर हैं उन्हें भी हायर कर लिया गया है और ये प्लान है कि टीएस वज़ीर गैंगस्टर को हायर करके उन्हें इसके बेटे के कत्ल की ये कहें कि काम और टास्क देकर वो खुद कनाडा जा रहा है और इसी उकसावे में जो है वो हरमीत ने जो है वो टीएस वज़ीर का कत्ल किया। इस प्रकार के जो बयान हैं ये हरमीत ने दिल्ली पुलिस को दिए हैं कि हरप्रीत जो था उसने उसे उकसाया और ये कहा कि टीएस वज़ीर जो है वो उसके बेटे को मरवाना चाहता है और मरवाने के लिए उसने पहले ही गैंगस्टर को हायर किया है और अब वो कनाडा जाना चाहता है और यही सब सुनने के बाद हरमीत ने जो है वो टीएस वज़ीर का कत्ल किया। ये कहानी जो है ये अब सामने आई है और जो गन थी, जिस गन का इस्तेमाल किया गया, वो गन भी बयान के मुताबिक हरप्रीत ने ही हरमीत को दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ ही, हरमीत की गिरफ्तारी के साथ ही वो गन भी बरामद कर ली गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये पहले से ही बनक थी कि हरमीत जो है वो सांबा और विजयपुर के बीच कहीं छुपा हुआ है और जल्द अपनी लोकेशन चेंज करेगा। और जैसे ही उसने अपनी लोकेशन चेंज करना चाही, पुलिस की टीम पहले वहीं पर मौजूद थी और उसे वहीं पर धर लिया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो वो गन भी रिकवर हुई जिससे टीएस वज़ीर पर गोली चलाई गई थी। तो ये रिवल्शन हुए हैं और चेंज यही आया है कि पहले जो एक स्टेटमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था, जो राजू गंजा है और जो बिल्ला पकड़े गए उनमें से ये रिवल्शन हुई थी कि गन जो थी वो हरप्रीत के हाथ में थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि गोली जो है वो हरमीत ने मारी है। हालांकि अभी हरप्रीत गिरफ्त से बाहर है और हरप्रीत क्या कहानी सुनाता है ये भी दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक का जो मामला है वो अब हरमीत प्राइम एक्यूज है वो सामने आया है। और ये भी कहा गया कि हरप्रीत ने ही हरमीत को जो है वो सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया और जिस वक्त ये नोट लिखा गया ये जम्मू के बस स्टैंड में थे और बाद में हरप्रीत ने उसे उस सुसाइड नोट को जो है वो फेसबुक पर अपलोड किया। ये बात जो है ये हरमीत की तरफ से बताई गई है कि हरप्रीत जो था वो 3 सितंबर को उसके होटल में आया और उसे बताया कि उसके बेटे को ख़त्म करने की योजना बना रहा है, मतलब टीएस वज़ीर के लिए, और उसके लिए पंजाब और हरियाणा के जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें काम पर लगा रखा है और इसीलिए वो खुद अब कनाडा भागना चाह रहा है। और ये सब सुन के जो है वो हरप्रीत हरमीत को जो है वो अपने अपार्टमेंट में ले गया जहां पर टीएस वज़ीर मौजूद थे और फिर वहां पर एक सुसाइड नोट लिखा गया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसे हरप्रीत ने जो है ये कहा गया कि हरप्रीत ने कथित तौर पर इस सुसाइड नोट को जो है वो फेसबुक पर पोस्ट किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस केस में पीछे जाएं तो एक युवक को गिरफ्तार किया गया था जिस पर ये इल्ज़ाम है कि ये सुसाइड नोट उसने अपलोड किया था, यानी कि हरमीत जो कहानी सुना रहा है उस पर भी पूरा यकीन करना इस वक्त सही नहीं होगा क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो फिट नहीं बैठ रहे जो पहले की इन्वेस्टिगेशन हुई है। यदि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और इस अपराध में हुआ है कि उसके आईपी एड्रेस से ये प्रूफ होता है कि सुसाइड नोट जो था वो उसने पोस्ट किया, तो फिर हरमीत जो है ये कहानी क्यों सुना रहा है कि सुसाइड नोट जो है वो हरप्रीत ने अपलोड किया, पहला पेच यहाँ पर फंसता है। दूसरा ये है कि अब ये मामला सामने आता है कि शूटर जो है वो हरमीत है, लेकिन इससे पहले जो राजू गंजा के बयान थे और जो पहले एक स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक हरप्रीत के हाथ में बंदूक थी, यानी कि गोली हरप्रीत ने चलाई थी। हालांकि कॉमन एक चीज़ थी कि टीएस वज़ीर के खाने में कुछ बेहोशी का पदार्थ था और वो उस समय होश में नहीं थे, तो ये एक ट्विस्ट इसमें आया है। और
बाकी जब इसे गिरफ्तार किया गया, जो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी कि लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को उसके बारे में जानकारी नहीं थी और दिल्ली पुलिस ने गुपचुप तरीके से ये गिरफ्त की और हरमीत को लेकर सीधा दिल्ली चली गई, जहां पर उससे पूछताछ जो है वो जारी है। पिस्टल जो है वो रिकवर कर लिया गया है और बाकी इस हत्याकांड में मैंने आपको बता दिया कि चार प्राइम एक्यूज थे, राजू गंजा, बिल्ला, हरप्रीत और हरमीत, तो तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब केवल हरप्रीत ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन तीनों की कहानी जो है वो लगभग मेल तो खाती है, मगर कुछ एक बिंदुओं पर जो है वो शक होता है कि आखिर असल में गोली किसने चलाई है और फिर ये जो फेसबुक पोस्ट आप वायरल हुई थी उसे अपलोड किसने किया, किस मकसद से किया, और ये तमाम वो चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि तीन गिरफ्तारी हो चुकी है, तीन लोग गिरफ्त में हैं। हरप्रीत जो है वो अभी भी फरार है और जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की संभावना है। जो वेपन इस्तेमाल किया गया था इस क्राइम में, पुलिस के मुताबिक उसे भी जो है वो हरमीत के पास से रिकवर कर लिया गया है और ये गन भी जो है ये हरप्रीत नहीं हरमीत को दी थी, ऐसा हरमीत की तरफ से बयान दिया गया है। तो ओवरऑल ये केस अब जल्द ये कहें कि पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है, बस कुछ ही दिनों का आप इंतज़ार कहें, क्योंकि ये तीन अपराधी जो हैं ये जाहिर सी बात है अब चौथे अपराधी हरप्रीत की लीड पुलिस को ज़रूर देंगे। नमस्कार।